अन्ना हजारे के आरएसएस से करीबी संबंध रहे हैं, ये दावा किया है हिंदी अखबार नई दुनिया ने। आज के अंक में छपी रिपोर्ट पर यकीन करें तो संघ के नानाजी देशमुख से 1983 में अन्ना ने दीक्षा ली थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में अन्ना को संघ का अनुशासित सिपाही बताया गया है। सबूत के तौर पर अन्ना और नानाजी की एक तस्वीर भी छापी गई है। कांग्रेस महासचिव मनीष तिवारी के बाद अब पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री ने अन्ना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इस बार अन्ना पर हमला बोला है केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने। वर्मा ने अन्ना को सेना का भगोड़ा बताया है। वर्मा ने कहा कि सन 1965 में हुए भारत पाक युद्ध से अन्ना भागे हुए हैं। अन्ना कोई चीजें नहीं, ये सन 65 की पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, उसका भगोड़ा सिपाही है। ये आके दिल्ली में नाटक करता है, इसका कोई वजूद नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो आरएसएस का एजेंट है। वहीं बेनी प्रसाद वर्मा के हमले का टीम अन्ना ने जवाब भी दिया है। टीम के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बेनी प्रसाद खुद समाजवादी पार्टी के भगोड़े हैं। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अन्ना किसी भी पार्टी के नहीं बल्कि देश के एजेंट हैं।